रामदेव बाबा को प्रेस मीट आसी पहुंचुची प्रथम नजर पके बात आप खबर बीपी शुगर थायराइड अस्थमा अर्थराइटिस ऐसा लियमस ऑटोमन डिजीज लिवर किडनी फेलियर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं तीन तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप वन डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं ये झूठ नहीं है, ये सच है। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगाओ, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 5 वर्षों से बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है स्वामी रामदेव को, पतंजलि को टारगेट करके। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और महर्षि चरक, शिष्य, धन्वंतरी आदि ऋषियों के करोड़ों वर्ष पुरानी ज्ञान परंपरा को झुठलाने के लिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं रखा। आयुर्वेद का प्रयोग करोगे तो लीवर किडनी खराब हो जाएंगे, आयुर्वेद का प्रयोग करोगे तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा और इंस्टेंट लाभ तो हो ही नहीं सकता। हमने प्रमाणों के साथ, साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस, पी एंड पोस्ट क्लिनिकल पूरे रिपोर्ट्स के साथ और डबल ब्लाइंड क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल ड्रग डिस्कवरी के पूरे रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉलो करके, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के पूरे साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके 3000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल्स के आधार पर 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च हमने किए और सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर हमारे प्रकाशित हैं। योग के भी वो प्रकाशित है, पूरे आयुर्वेद के भी, और किसी को भी जाकर के देखने हैं तो पतंजलि की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है, पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ तामसिक और राजसिक किस्म के लोग हैं जिनको मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा है, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया कहा है। अब उनको मिर्ची लग गई। मैं कहता हूं मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और बहुत आवश्यक होने पर जो सर्जरी है उसका मैं पहले भी रेस्पेक्ट करता था, आज भी उसका सम्मान करता हूं। लेकिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट को छोड़ करके, बहुत जरूरी सर्जरी को छोड़ करके, और सर्जरी की सिपैथी की नहीं होती है, सर्जरी को छोड़ करके, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स को छोड़ करके 99% हम प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, रिहैबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट और बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ हम योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड में कोई व्यक्ति यदि इंसुलिन की निजात करता है डायबिटीज के लिए तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। हमने हजारों लोगों का इंसुलिन बंद करवा दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा रोगियों का हमारे पास में डेटाबेस है और कुछ रोगी तो मेरे पास रोज रहते हैं। इधर यह बच्चा बैठा हुआ है, इसको 5 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज हुआ था, खड़े होना, इसका नाम है किशन, इसके पीछे बैठा हुआ ये नाम है शिवम और इसके पीछे भानु जाट और इधर ये है मयंक। टाइप 1 डायबिटीज 15-16 HbA1c। अब कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला खिला करके डायबिटीज चेक कर सकता है और 5.5 से ज्यादा HbA1c और 100 से 90 से ज्यादा शुगर नहीं मिलेगा आपको। और क्या प्रमाण चाहिए? यदि
इंसुलिन बनाने वाले को यदि नोबल पुरस्कार मिल सकता है तो छुड़ाने वाले को तो डबल नोबल मिलना चाहिए, और हमको झूठा बोला जाता है। हम इस तरह के प्रोपेगंडा के खिलाफ पहले से भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। ये तो टाइप वन डायबिटीज के मैंने एग्जाम्पल दिए। ये पीछे लड़का खड़ा हुआ बैठो, ये मैंक, इसको आहार नली का पैरालिसिस, एक बूंद भी पानी नहीं पी सकता था, अब आज ये दूसरों को ठीक कर रहा है। थायराइड के यहां छाया है और मालती है, थायराइड क्योर हुआ है, दवाइयां बंद है, पहले एलोपैथी की दवाएं लेते थे बंद होगी। ये बजाज प्रदीप साहब हमारे खड़े हैं, बीपी की शुगर की दवाई बंद, बीपी नॉर्मल, ये कैसे हो रहा है? हम बीपी क्योर करते हैं, हम थायराइड क्योर करते हैं, हम टाइप वन डायबिटीज क्योर करते हैं, हम अस्थमा आर एफ एट सीआरपी एन एवन पॉजिटिव उसको नेगेटिव करते हैं। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास रियल वर्ल्ड एविडेंस है, हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहते हैं कि हड्डियों के कार्टिलेज डिजर्नेट हो जाए, लीवर किडनी डिजर्नेट हो जाए, उसको रिजुवेनेट नहीं किया जा सकता। पूरा WHO झूठ बोल रहा है, पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम झूठ बोल रहा है। हमने लिवोग्रिड से, रिनोग्रिड से, हमने पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से डैमेज हुए कार्टिलेज को, बोन्स को रिजुवेनेट किया। हमने लीवर को रिजुविनेट किया लिवोग्रिड से, हमने किडनी को रिजुविनेट किया रिनोग्रिड से। इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में ये सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? हमने हार्ट डिजीज को रिवर्स किया है। आपने पिछले दोनों देखा, एक डॉक्टर ने सैकड़ों लोगों को नकली पेसमेकर लगा दिए, 50% कमीशन लेकर के जो MRI CT स्कैन और जो है गैर जरूरी टेस्ट कराते, 50% तक कमीशन लेकर के, और मेडिकल माफियाओं की फार्मा कंपनियों की दवाइयां लिखते हैं। अब उनको तो कष्ट होता है कि ये बाबा जी ने नया मोर्चा क्या खोल दिया। ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो महर्षि चरक शिष्य धन्वंतरी पतंजलि का है, लेकिन उस वैदिक ज्ञान पर हमने वैज्ञानिक अनुसंधान करके जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया। अब दिक्कत यह हो रही है कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस से नहीं हुआ वो योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से कैसे हो सकता है? अरे इसका स्वागत होना चाहिए या इसका तिरस्कार होना चाहिए? इसके ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए कि इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए? हमको नहीं चाहिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, हमको नहीं चाहिए नोबल पुरस्कार। लेकिन जो है हमारा ऋषियों का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और आविष्कार और उपचार और उपकार की भावना से जो हमारे ऋषियों ने काम किया, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज हमने ये प्रेस रखी, आप सब प्रेस मीडिया के बंधुओं को आमंत्रित किया कि पतंजलि झूठा प्रोपेगंडा नहीं कर रहा है। सिंथेटिक दवाई बनाने वाले और अपने से ज्यादा दूसरों का किसी का भी कोई सच हो उसको स्वीकार न करने वाले हाथी और दुराग्रही स्वार्थी किस्म के लोगों ने यह दुष्प्रचार कर रखा है कि स्वामी रामदेव झूठ बोल रहा है। पतंजलि की तरफ से झूठा प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। तो मैं एक अंतिम बात कहकर के फिर आपको आमंत्रित करूंगा पूज्य आचार्य श्री को। हम मीडिया के सामने, जैसे आज मैंने अभी यहां थायराइड के, बीपी के और टाइप वन डायबिटीज के, कैंसर तक के, कैंसर के मेरे पास में सैकड़ों, एक तो अभी तो मैंने आपको जो परिचय करवाया, हमारे पास में मयंक से लेकर के गायत्री, नेहा, शालिनी, 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट, बोन, मल्टीपल ऑर्गन्स में फैले हुए कैंसर को, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में अच्छा किया, और उसके पूरे हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस है। तो इसका आदर होना चाहिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता दिखाया है पतंजलि ने, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। ये बात कहने के लिए आज आपको हमने आमंत्रित किया। अगली बार सुप्रीम कोर्ट से भी हम आग्रह करेंगे कि हमको अवसर दिया जाए। मैं आज तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ कभी, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ, क्लिनिकल एविडेंस के साथ, हमको वहां अवसर दिया जाए
कि हम पेशेंट को प्रस्तुत कर सकें, अपने रिसर्च पेपर को पेपर्स को प्रस्तुत कर सकें, और 1940 में जो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था उसकी खामियों को हम उजागर कर सकें, उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जनहित याचिका जारी करेंगे कि ये एलोपैथी की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, इस झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। लोगों को एक कुंठा में डाल दिया गया कि एक बार किसी को बीपी शुगर थायराइड आर्थराइटिस हो जाए तो बड़ी जिंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी। हम कहते दवा छोड़ दो, आप नेचुरल लाइफ जी सकते हो। ये एक बहुत बड़ा तत्व है। तो हम सैकड़ों रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार हैं। जैसे बहुत बार जब राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है तो एमएलए और एमपीज की परेड होती है महामहिम के सामने, तो हम देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार हैं, सारी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो काम योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से हमने साइंटिफिक और ऑथेंटिक तरीके से करके दिखाया। और ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए हमने रिसर्च पर खर्च किए। डॉक्टर अनुराग वार्षणी जी हमारे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के जो चीफ साइंटिस्ट हैं, सैकड़ों साइंटिस्ट हमारे पास में, सैकड़ों रिसर्च प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो करके सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने प्रकाशित किए, उसके बाद इस बात को कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब सच और झूठ इसका अब फैसला पूरे देश के सामने होना चाहिए। किसी की संख्या भारी है, उनके पास में लाखों करोड़ का साम्राज्य है, जो मेडिकल कंपनियां हैं जिनको फार्मा कंपनियां बोलते हैं, एक एक कंपनी का 25-50 लाख करोड़ रुपए का, 100-100 लाख करोड़ रुपए, 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पूरा साम्राज्य है। किसी का आर्थिक साम्राज्य ज्यादा है, पैसे से सच और झूठ का निर्णय नहीं कर सकते कि उनके पास पैसे ज्यादा है एलोपैथी वालों के पास में तो उनका सच हो जाएगा। उनके पास हॉस्पिटल ज्यादा है, उनके पास डॉक्टर ज्यादा है, या उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है, तो क्या हम कम पैसे वालों की, लेकिन हमारे पास में अपने ऋषियों की ज्ञान की विरासत है, हम दरिद्र नहीं है, हमारे पास ज्ञान विज्ञान की, प्रज्ञान के अनुसंधान की, रिसर्च एविडेंस की दौलत है हमारे पास, लेकिन हमारी संख्या कम है। भीड़ के आधार पर कभी भी सच और झूठ का निर्णय नहीं हो सकता। हम अकेले इंस्टीट्यूशन भी पूरी दुनिया के मेडिकल माफियाओं से, ड्रग माफियाओं से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन स्वामी रामदेव कभी डरा नहीं और कभी हारा नहीं, तो हम इस लड़ाई को अंतिम निर्णय तक लड़ेंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री भी कुछ कहेंगे, उसके बाद आपके प्रश्न भी लेंगे। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया भी नहीं है, उससे पहले ही खूब पूरे देश और दुनिया में दुष्प्रचार के लिए क्योंकि तैयार बैठे हैं कि लोग कहीं से तो बहाना मिले, कैसे तो कहीं से तो मौका मिले, पर उस मौके को हम कभी भी उस झूठ को, बेसिर पैर की चीज को स्थापित नहीं होने देंगे। हम सबका संकल्प है, श्रद्धेय स्वामी जी ने जैसे बताया। और दूसरी बात यह रही कि मैं 2-3 बातें आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय अपना कार्य कर रहा है, बहुत सारे विद्वान और संस्थाएं आयुष के संदर्भ में, योग आयुर्वेद के संदर्भ में काम कर रही हैं, परंतु बाकी के जो क्षेत्र है या उनका सामर्थ्य है या उनकी कार्य का जो विस्तार है वो इतना नहीं है कि वो दुनिया को प्रभावित कर सके या गुंजायमान हो सके। समस्या यह है कि जहां से जो आवाज गूंज करके पूरी दुनिया में पहुंच रही है, यानी कि योग आयुर्वेद के जो आज एक मूल स्रोत है, उस स्रोत को अवरुद्ध करने का ये दुस्साहस का पार्ट यह है कि इसमें सारे आसुरी शक्तियां एक तरफ हैं, और हमने हमारे वेबसाइट के अंदर सब कुछ ओपन है, लोगों को एक रिसर्च पेपर छापने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, हमारे पास इतने एविडेंसेज हैं, हम लोगों ने ये सब पुस्तक देख सकते हैं, इसके अंदर टॉप लेवल के इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में 51 से ज्यादा इसमें पब्लिश्ड है, ये योगा का अलग से ये पब्लिश्ड है, और पहली बार ये आज मैं सब मीडिया के भाइयों को भी देने वाला हूँ जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और जिनको चाहिए मीडिया के बंधुओं को इसकी पीडीएफ फाइल तो हम देंगे ही देंगे, और हार्ड कॉपी भी किसी को चाहिए देश में
तो मीडिया वाला कोई मंगा सकता है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या हो सकता है, साक्ष्य आधारित औषधि। यहां पूज्य स्वामी जी नहीं कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं तो वही बात है, हम कर रहे हैं। आपको यह मानना होगा, करने का प्रमाण इस रूप में हमारे पास है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो एलोपैथिक ड्रग एक एक दवाई बनाने के लिए कई वर्ष लगाते हैं और दुर्भाग्य से वो एक दो साल के बाद में फेल हो जाता है और उसके बीच में पता चलता है कि करोड़ों लोगों के जीवन को उन्होंने संकट में डाल दिया है। कोरोना के टाइम में आप सबने जाना कि सबको यह पता है कि कोरोना एलोपैथिक से ठीक होता नहीं था, फिर भी लाखों का बिल बनता था, हॉस्पिटल में घर लौट करके आता था उनका डेड बॉडी, किस तरह के दृश्य को आप और हमने देखा है। कोरोनिल को लेकर के उनको लगा कि जिस चीज की पूरी दुनिया जो है परेशानी में घूम रही है, ये कैसे हो सकता है। पर आज भी हमें यह बात कहते हुए प्रसन्नता है कि इस कोरोनिल ने करोड़ से ज्यादा परिवारों की रक्षा ही नहीं की, पूरे प्रोटोकॉल और सारे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन सिस्टम को हमने फॉलो किया था, उसकी वजह से हमारी दवाई को और आज 20 तक भी से ज्यादा रिसर्च पेपर को कोरोनिल के ऊपर लगभग 26 रिसर्च पेपर हमारे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं और एलोपैथी का कोई एक भी ड्रग का कोई रिसर्च पेपर अभी तक भी नहीं छपा। और दुर्भाग्य से यदि एक योगदान की बात की जाए, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कॉन्सेप्ट ने कि रिजुविनेट कर सकते, ये भावना बैठी यहां पर 100% ब्लाइंड थी, ये यहां पर खड़ी हो ना 100% ब्लाइंड, अब 100% इसका वापस विजन आया हुआ है, ये प्रमाण है 100%। इसका ब्रेन ट्यूमर की नव कंप्रेस हो गया, पूरा ब्लाइंड थी। जब भावना है और कहां से हो, कोरबा से, और ये आवाज से किसी को पहचानती थी, देख नहीं सकती थी, टोटली ब्लाइंड हो गई थी। और अब क्या हाल है, पूरा देख सकती है, 100% रिकवरी, मैक्युलर डिजनरेशन, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पूरी बॉडी का सेल आरएनए डीएनए प्रोटीन के लेवल पर जाकर के सेल्स को रिपेयर और रिजुविनेट किया जा सकता है। यह कॉन्सेप्ट पतंजलि ने दिया, सारे रिसर्च पेपर उसके प्रमाण है। और उसके बाद भी अब ये बात तो मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को सीखनी चाहिए कि हमारे पास रिजुविनेशन का प्रोसेस नहीं है। चलो पतंजलि में ये भारत में ये ज्ञान है तो उनसे सीख ले, हमसे सीखने की बजाय हमारी तरफ घुर्रा रहे हैं और हमको झूठा बता रहे हैं, तो भाई ये तो हम सहन नहीं करेंगे। बस यही बात थी। तो यह जो एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, ये पूरी इस प्रमाणों के साथ में हम आप सबको भी ये पुस्तक देने वाले हैं। और मैं चाहूंगा हमारे पतंजलि रिसर्च जो फाउंडेशन का जो वेबसाइट है उसमें ये पूरी पुस्तक पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है, आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों से मेरी यह प्रार्थना है, क्योंकि सांस को आंच नहीं, यहाँ पर शब्द नहीं, यहाँ पर कार्य बोलता है, उस कार्य को गुंजायमान करने के लिए जहाँ हमारे सैकड़ों वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं, वहीं हमारे लाखों योग शिक्षक रात दिन इस योग की विधा को घर घर पर निःशुल्क रूप में पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं। तो किसी भी तरह से जब नई चीज होती है, लोगों की जब एक जो अपना बनाया हुआ जो षड्यंत्र या मान्यताएं होती हैं जब धराशाही होती हैं, तो लोगों को पीड़ा तो होती है, बेशक किसी को पीड़ा हो जाए, पर यह करोड़ों लोगों को पीड़ा से मुक्त करने का काम है। इसीलिए हम इस पर कभी आंच भी नहीं आने देंगे, और जब तक दम में दम है, श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि चाहे कहीं लटकाना हो फांसी पे लटका लो, चाहे कहीं भेज दो, हम तो लगे। देखो आप लोगों के सामने आपने देखा भी है, क्योंकि एक दिन में कोई चीज बनती नहीं है और एक चीज में बिगड़ती नहीं है, क्योंकि ये पतंजलि खड़ा कोई हवा से नहीं है, कोई लोगों के कोई झूठ आडंबर पाखंड अंधविश्वास फैला करके। आज तक जितनी भी आंचे आई, जितनी भी चीजें हुई हैं, हम आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सी चीज आज तक जो झूठे प्रोपोगंडा किए गए और झूठ लगाया गया, क्या सच निकला, एक भी हो तो आप बता सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि सत्य को ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, और हम देने के लिए सदैव तैयार हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, ये बड़ी बात है, तो मेरी भी यही इच्छा है कि आप लोग भी इसमें अपना विचार दे सकते हैं। देश के लोगों से भी हम कहेंगे कि अपना विचार दें, ये अच्छा रहेगा। एक पूरा जो मॉडर्न मेडिकल वर्सेज जो हमारी योग आयुर्वेद और प्राचीन विधाओं से जो रोगी ठीक हुए हैं, क्योंकि मैं देख रहा था जैसे जो एक्ट है गवर्नमेंट का, ये हमारा बनाया अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, बहुत सारे इस कानून जो अंग्रेजों के। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।